स्टूडेंट्स माय सेल्फ परेश आचार्य फ्रॉम सिल्वर व्हील स्कूल पालनपुर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड ए सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4 एंड द नेम इज द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो हमने देखा कि ग्रामर की बुक में कैसे हम जा रहे हैं कि रूल नंबर 1 से लेके अभी यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है 53. तो चैप्टर 3 में हमने रूल नंबर 52 तक पढ़ा है. अभी द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या है पहले ये हमें समझना है. तो एडजेक्टिव हमें सबको पता है, एड समथिंग इन नाउन. जैसे कि मैं बोलू कि स्टोन है ना, तो मैं आगे लगा दू रोलिंग स्टोन, अदरवाइज स्पार्कलिंग स्टोन. तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है ना. तो अभी करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव. लेकिन एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. यहाँ पर देखो कि दीज एंड दैट आर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन. जो ये दीज एंड दैट है वो सिंगुलर में फॉलोड होते हैं. एंड दीज टी एच ऐसी, दीज एंड टी एच ऐसी, दोज आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. ये हमने पहले छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. मिस्टेक्स आर ऑफन मेड बाय यूजिंग दीज एंड दोज विद सिंगुलर नाउन्स, द फॉलोइंग सेंटेंस आर इनकरेक्ट. ये जो नीचे वाले दो है वो इनकरेक्ट है. देखो आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल एंड आई डोंट लाइक दोज सॉर्ट ऑफ पीपल. वी शुड से हमें क्या लगाना चाहिए, तो यहां पर है आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल. क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप की तरह जब यूज होता है तब हम सिंगुलर लगाते, आपको याद होगा है ना. आई डोंट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ पीपल. तो यहां पर सिंगुलर हमें यूज करना है. सेकेंड देखो रूल नंबर 54 में क्या है, द वर्ड सुपीरियर इंफीरियर सीनियर जूनियर आर ऑलवेज यूज्ड एज अ कंपेरेटिव डिग्री बट दे आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देम. हमें पता है कि डिग्री में क्या होता है, सिक्स स्टैंडर्ड में हमने डिग्री फॉर्म पढ़ा हुआ है ना. तो डिग्री में क्या होता है कि हम पीछे देन लगाते हैं, तो जो देन है उसकी जगह पे अगर सेंटेंस में सुपीरियर इंफीरियर सीनियर और जूनियर दिया हो तो इंस्टेड ऑफ देन वी हैव टू पुट टू लगाना है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है दिस क्लोथ इज सुपीरियर और इंफीरियर टू दैट है ना. तो यहाँ देन की जगह पे हमने क्या लगाया, टू. देन सेकेंड ही इज जूनियर और सीनियर टू मी इन एज. तो ये फोर वर्ड्स है वो आपको याद रखने होंगे. कुछ ऐसा होता है जो आपको याद रखने होते हैं वर्ड्स. देन ये रूल नंबर 55, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपेरेटिव नॉट द सुपरलेटिव. अगर कोई दो चीज या दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज करना है, वहां पर सुपरलेटिव नहीं आएगा. सुपरलेटिव मतलब क्या होता है कि वन पर्सन के साथ सारे बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल, ऐसे होता है कि वन चीज के साथ सारी दूसरी सारी चीजें कंपेयर होती है तब सुपरलेटिव डिग्री आती है. लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये खास याद रखना कि टू थिंग्स आपको क्या याद रखना है, मेन टू थिंग्स एक दूसरे से कंपेरिजन होती है तब हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है, नॉट द सुपरलेटिव. यहाँ पर देखो ही इज द टॉलर ऑफ द टू, पीछे टू दिया है, बहुत क्लियरली टू दिया है. तो ही इज द टॉलर ऑफ द टू, दोनों में से ये हाइट में बड़ा है. देन विच इज द बेटर ऑफ द टू, इन दोनों में से क्या बेटर है ना. कोई ड्रेस लेने गए कि कोई चूज करना है, मैं शूज करने सिलेक्ट, तो दोनों में से कौन सा बेटर है ना. तो दो की कंपेरिजन हो रही है तो हमें ER वाला फॉर्म यूज करना है. ऑफ द टू एविल्स चूज द लेस, मतलब दो चीजें पूरी है लेकिन उसमें से जो कम पूरी है वो हमें खानी है. जैसे कि हम घर पे सीरा बनाए, शुगर वाला भी सीरा है और वो बोलते हैं ना गुड़ वाला भी है, दोनों डायबिटीज वाले पीपल के लिए दोनों बुरे ही है लेकिन खाना है, तो हम क्या चूज करेंगे, जो लेस एविल हो वो हम चूज करेंगे. जैसे गुड़ वाला सीरा है ना, तो कोई भी देखो एक चूज करना है, दोनों एविल से दोनों चीज बुरी है लेकिन हमें एक चूज करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे लेस. उसके बाद है 56, उसमें क्या दिया है, वेन वन थिंग इज कम्पेयर विथ एवरी अदर ऑफ द सेम काइंड, उसी काइंड मतलब एक जैसे कोई एक गर्ल की कंपेरिजन उसी के क्लास की सारी गर्ल से हो रही है तब टेक केयर.
क्या करना है, एनी अदर हमें यूज करना है आफ्टर एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री एस, दोनों हमें पता है कि कितनी टाइप की डिग्री आएगी, तीन, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। अभी हम बात कर रहे हैं कंपेरेटिव और पॉजिटिव की, क्योंकि वो दोनों डिग्री ऐसी है जिसमें क्या होता है टू पर्सन के साथ कंपेरिजन होती है। उसमें क्या बोला गया है कि एक पर्सन की कंपेरिजन, अगर सारे जो बाकी के क्लास के दूसरे पर्सन के साथ हो रही है तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, एनी अदर का यूज करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है मिसा इज एन इंटेलिजेंट एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास, कि मिसा कैसी है इंटेलिजेंट, दूसरी जैसी गर्ल्स है क्लास में वैसी ही वो इंटेलिजेंट है। देन नेहरू वॉज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर ऑफ हिज टाइम, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा, एनी अदर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देन वन थिंग इज कम्पेयर विद द एवरी अदर ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड, यहाँ गर्ल्स उसी की क्लास की गर्ल्स की बात हो रही है, यहाँ पर लीडर है तो बाकी पीछे भी क्या दिया है, लीडर, तो हमें एनी अदर यूज करना है। देन यहाँ पर मिशा इज एज इंटेलिजेंट एज एनी गर्ल इन द क्लास सजेस्टेड दैट, हमें ऐसा सजेशन दिया गया है, मिशा इज एज इंटेलिजेंट एज हरसेल्फ विच इज ऑफ कोर्स एब्सर्ड, ओके, बट अदर मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री हो रही है ना तो हमें कभी भी ये अदर वर्ड यूज करेंगे नहीं, हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, द आता है और ईएसटी वाला फॉर्म आता है। तो देखो ये इनकरेक्ट दिया है सेंटेंस के, ही वॉज द बेस्ट, यहाँ तक बराबर है, बेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स आएगा, अदर आएगा नहीं, क्योंकि अदर किस में आएगा, अदर कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता नहीं है। याद रखना कि जिसमें द होता है साथ में ईएसटी वाला फॉर्म होता है तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे, और याद रखो कि सुपरलेटिव डिग्री में अदर आएगा नहीं। तो ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स। देन है रूल नंबर 57, द सुपरलेटिव ऑफ एन एडजेक्टिव टेक्स द बिफोर इट, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके एडजेक्टिव से आगे क्या आता है, द आता है। जैसे दिस प्लान इज द बेस्ट ऑफ ऑल, तो ये बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है और उसके आगे क्या यूज करा, द। सेकेंड है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, आपको ये खास याद रखना है कि मोस्ट और मोर, देखो दो चीज है, एक मोर है और एक मोस्ट है, तो मोर कब यूज करेंगे, तो जो मोर है वो कंपेरेटिव डिग्री में यूज होगा और जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा। और कई बार ऐसा होगा कि जैसे क्लेवर है तो हम क्लेवर लगा देते हैं, क्लेवरेस्ट लगा देते, तो मोर और मोस्ट कब लगाते हैं, तो ये आपने पहले पढ़ा होगा कि थ्री सिलेबिक वर्ड्स, वन सिलेबिक वर्ड्स, टू सिलेबिक वर्ड्स और थ्री सिलेबिक वर्ड्स, ये आपको पता होगा। तो जहां पर थ्री सिलेबिक वर्ड्स होता है, वन सिलेबिक वर्ड मतलब क्या होता है, आप एक ही बार बोलोगे, और जैसे मैं एक वर्ड बोलूं के टॉल, तो टॉल कैसा है, वन सिलेबिक वर्ड है, एक ही बार मुझे मुंह खोलना पड़ा और वो हो गया, तो उसको बोलते हैं वन सिलेबिक वर्ड। तो उसका क्या होगा, तो टॉल, टॉलर, टॉल, सिंपल बनेगा। लेकिन आप बोलो ब्यूटीफुल बोलो तो यू हैव टू ओपन योर माउथ टू थ्री टाइम, ब्यूटीफुल थ्री टाइम आपका माउथ मतलब लिप्स ओपन होंगे और क्लोज होंगे, ब्यूटीफुल। तो ये मोर देन टू सिलेबिक वर्ड्स भी बोल सकते हो, अदरवाइज थ्री सिलेबिक वर्ड भी बोल सकते हो। तो इसमें ऐसे वर्ड्स में आपको आगे क्या लगाना है, मोर लगाना है कंपेरेटिव डिग्री में और मोस्ट लगाना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोस्ट लगाया है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, देखो इंटेलिजेंट बोलोगे तो भी आपको आपका मुंह दो तीन बार ओपन करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास, बट द इज नॉट यूज इन द फॉलोइंग केसेस। तो द कहां पर यूज नहीं होगा, तो नीचे एक इंस्ट्रक्शन दिए, व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री हैज अ पजेसिव एडजेक्टिव, भी पजेसिव एडजेक्टिव हमें पता है माय, योर, अवर, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, बिफोर इट, तो जहां पर डिग्री फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन उसमें पजेसिव एडजेक्टिव यूज करा है तो वहां पर हम द लगाएंगे नहीं। जैसे यहाँ पर है देखो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर बेस्ट पर से हमें पता चलेगा गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव में होता है गुड,
कंपेरेटिव में होगा बेटर और सुपरलेटिव में होगा बेस्ट। ये फॉर्म्स हमें याद होने चाहिए तो ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। सिक्स स्टैंडर्ड में है, पीछे भी दिए होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो बेस्ट है, तो बेस्ट किसका फॉर्म है? सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है बेस्ट। और उसके आगे देखो माय, तो माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, तो माय बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे नहीं, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। देन इट वॉज हर डर्टीएस्ट एक्ट, हर मतलब ये भी पजेसिव है। ओके, देन नेक्स्ट में इसमें रूल सेकेंड भी दिया है, वेन द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज विथ अ नाउन फॉर द सेक ऑफ एड्रेस, जब एड्रेस का यूज हुआ है, एड्रेसिंग, किसी को एड्रेसिंग हम करते हैं, है ना, ओ डियरेस्ट सन को एड्रेसिंग हुआ, किसी को बुलाना अच्छे से तरीके से, तो यहाँ पर भी हम द यूज नहीं करेंगे, ओ डियर, ओ द डियरेस्ट नहीं यूज करेंगे। ओके, हम डायरेक्ट बोलेंगे ओ डियरेस्ट सन वेन विल यू बी बैक अगेन। सेकेंड है ओ काइंडेस्ट सोल, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, देखो आगे। ओके, हाउ आई फाइन विदाउट यू। देन 58, द सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज्ड एज इट वर्ड इक्वल टू वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, इक्वल टू प्लस वेरी। ओके, तो हम जिसमें वेरी और बेस्ट दोनों हम यूज नहीं कर सकते हैं, देखो ही ब्रॉट अ बेस्ट बुक, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, तो ही ब्रॉट अ वेरी गुड बुक, जो वेरी है टू वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री होता है, क्या होता है? पॉजिटिव। कोई भी सेंटेंस में अगर वेरी वर्ड आता है तो आपको समझ लेना है यहां पर हमें कौन सी डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेस्ट, तो बेस्ट किसका फॉर्म है? सुपरलेटिव का है, गुड बेटर बेस्ट। ओके, अंडरस्टूड, गुड बेटर बेस्ट, तो ये बेस्ट तो सुपरलेटिव का है। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, सेकंड में ही ब्रॉट अ वेरी, तो वेरी वर्ड जब आता है तब आपको कौन सा फॉर्म रखना है? तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? गुड। देन इट डबल कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज, एक ही सेंटेंस में दो दो ऐसे फॉर्म नहीं होंगे जो दो फॉर्म कंपेरेटिव के बताते हो और दो फॉर्म सुपरलेटिव के, एक ही एक सेंटेंस में एक ही फॉर्म होना चाहिए, वो चाहे सुपरलेटिव का हो के कंपेरेटिव का हो। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊ, देखो मोर क्या है, मैंने आपको अब भी बताया कि मोर और मोस्ट कहाँ लगेगा? थ्री सिलेबिक वर्ड में लगेगा, तो वापस क्लेवरर नहीं बना सकते हैं, है ना, क्लेवर वन सिलेबिक है, तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म बना, और मोर कहाँ लगाते हैं? थ्री सिलेबिक वर्ड के आगे कंपेरेटिव डिग्री में लगाते, तो ये तो दो दो वर्ड हो गए जो हमें कंपेरेटिव डिग्री दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो राइट में क्या दिखा है, ही इज क्लेवर और देन ही इज ब्रदर, क्योंकि ये मोर भी कंपेरेटिव डिग्री का है और क्लेवर भी कंपेरेटिव डिग्री का है, सो हमने वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया मोर को। देन सेकेंड में देखो, यह सुपरलेटिव का एग्जाम्पल दिया है कि शी इज द मोस्ट यंगेस्ट, देखो ये ईएसटी वाला फॉर्म आया और यहाँ पर मोस्ट फॉर्म आया, तो मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है और यंगेस्ट ईएसटी वाला फॉर्म भी क्या है? सुपरलेटिव, तो हमें एक रिमूव करना पड़ेगा, ये मोस्ट वाला हम रिमूव करेंगे। शी इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, अभी कोई बोलेगा कि यंगेस्ट क्यों नहीं रिमूव कर सकते, तो नहीं कर सकते क्योंकि यंग वन सिलेबिक वर्ड है, तो यंगर, यंगेस्ट, ये इसके फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। देन रूल नंबर 60, इफ द फर्स्ट ऑफ टू और मोर एडजेक्टिव्स इज अ सुपरलेटिव, अगर आगे के एडजेक्टिव सुपरलेटिव है, इफ द फर्स्ट और टू और मोर एडजेक्टिव्स इज अ सुपरलेटिव द अदर शुड ऑल्सो बी सुपरलेटिव, अगर एक ही सेंटेंस में आगे सुपरलेटिव दिया है तो पीछे भी आपको सुपरलेटिव ही यूज करना है, आप मिक्स नहीं कर सकते हो कि एक सुपरलेटिव और एक कंपेरेटिव, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर दिया है कि ही इज बॉर्न ऑफ द बेस्ट, तो यहाँ पर क्या है, देखो ही इज बॉर्न ऑफ द बेस्ट एंड अभी वही एडजेक्टिव इसी के बारे में बोल रहे हैं, हार्ड वर्किंग नहीं आएगा, मोस्ट हार्ड वर्किंग आएगा, हार्ड वर्किंग टीचर्स ऑफ अवर स्कूल, तो ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव एक ही पर्सन के लिए यूज करें, तो एक में कंपेरेटिव और एक में पॉजिटिव डिग्री यूज नहीं होती,
दोनों में का तो पॉजिटिव यूज होगी, का तो दोनों में कंपेरेटिव यूज होगी, का तो दोनों में सुपरलेटिव यूज होगी. तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग टीचर्स ऑफ अवर स्कूल. देन रूल नंबर 61, रिमेंबर दैट इफ एन एडजेक्टिव फॉलोज द फ्रेज वन ऑफ, क्या है वन ऑफ, इट शुड बी इन द सुपरलेटिव डिग्री एस. वन ऑफ होता है तो क्या होगा, वो सुपरलेटिव होगा. जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन अवर स्कूल, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स ऑफ अवर टाउन. तो आपको याद रखना है कि अगर वन ऑफ आता है आगे तो आपको कौन सी डिग्री में सेंटेंस जाने देना है, सुपरलेटिव में जाने देना है सेंटेंस को. देन रूल नंबर 62, अ वेरी कॉमन एरर इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. बहुत ही कॉमन एरर मिस्टेक जहां पर हम करते हैं वो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली. तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बॉम्बे की और दिल्ली की कंपेरिजन नहीं हो रही, यहाँ पर कंपेरिजन पॉपुलेशन की हो रही. अंडरस्टूड? के देखो आगे ये सेंटेंस में क्या हुआ कि द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे, तो यहाँ पर बॉम्बे की कंपेरिजन दिल्ली से नहीं हो रही है, यहाँ बॉम्बे की जो पॉपुलेशन है ना उसकी कंपेरिजन दिल्ली की पॉपुलेशन से हो रही है. तो यहाँ पर हम थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत है. वी शुड से द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. यहाँ पर हमें दैट ऑफ कंपल्सरी लगाना पड़ेगा क्योंकि वरना क्या हो जाएगा, बॉम्बे की पॉपुलेशन की कंपैरिजन वो सिटी से हो जाती है ना. तो ऐसा नहीं है, दोनों सेम होने चाहिए. अगर प्लेस की कंपैरिजन प्लेस से होती है, पर्सन की कंपैरिजन पर्सन से होती है, ऐसा नहीं है कि पर्सन की कंपैरिजन प्लेस से होगी. ओके तो यहाँ पर ये कॉमन एरर यहाँ पर दिया है, नॉट दैट द कंपैरिजन इज बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे एंड द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली. देन रूल नंबर 63, Preferable has the force of a comparative and is followed by two. आगे भी दो थे, कौन कौन से थे, स्टार्टिंग के ही सेकेंड रूल में ही आया था आई थिंक कि सुपीरियर इंफीरियर जूनियर सीनियर, वहां पर भी टू था और यहाँ पर भी देखो ये दूसरा वर्ड आया प्रीफरेबल. अगर जहां पर भी आप प्रीफरेबल यूज देखोगे तो प्रीफरेबल हैज द फोर्स ऑफ अ कंपेरेटिव डिग्री, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, कंपेरेटिव, ये आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा. बराबर है, लिख के याद करो, बार बार बोल के याद करो, रीड करके याद करो, इट्स योर वे, आप कुछ भी करो, लेकिन ये कुछ वर्ड्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाय हार्ट करना पड़ेगा. तो प्रीफरेबल हैज द फोर्स ऑफ अ कंपेरेटिव एंड इज फॉलोड बाय टू, तो वो कहां कैसे फॉलो करेगा, टू को. वी मस्ट नॉट से मोर प्रीफरेबल, मोर प्रीफरेबल नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफरेबल टू. यहाँ पर देखो इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, इसमें क्या है, हेल्थ इज मोर प्रीफरेबल टू वेल्थ, नहीं, तो ये गलत है क्योंकि प्रीफरेबल के साथ क्या आएगा, मोर यूज होगा नहीं, क्या यूज होगा, टू यूज होगा. तो हेल्थ इज प्रीफरेबल टू वेल्थ, यहाँ पर हमें ये मोर जो है कंपेरेटिव डिग्री का वो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि क्या होगा, टू हमें यूज करना है. नेक्स्ट वन है रूल नंबर 64, डू नॉट यूज लेस, एल ई डबल एस, लेस वेन फ्यूअर, फ्यूअर बोलते हैं ना, फ्यू मतलब कम, इज रिक्वायर्ड, जहां पर फ्यूअर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम लेस यूज नहीं करेंगे. लेस रिफर टू क्वांटिटी, मीनिंग को समझो, लेस क्या बताता है हमें, क्वांटिटी बताता है, ऑफ योर क्या बताता है हमें, नंबर बताता है. तो हम इन दोनों का दोनों को अलग ही रखेंगे. यहाँ पर देखो कि नो प्योर नॉट लेस, मतलब लेस यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते. देन 50 गर्ल्स, यहाँ पर देखो नंबर है, 50 गर्ल्स क्या है, नंबर टू पार्ट इन इट, तो आपको देखो ये काउंटेबल है और हम जिसको काउंट कर सकते हैं वो है. ओके तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, प्योर. फिर है नो लेस Not here, then the pounds of a tea was needed. जो टी है तो वो किस में जाएगा, लेस में जाएगा, ये आपको समझ लेना है कि ये countable है और दूसरा क्या है, uncountable है.
ये बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, फीवा आपको कब यूज करना है, काउंटेबल में यूज करना है और क्वांटिटी में क्या यूज करना है, लेस। देन फ्यू एंड ऑफ, ये तो बहुत ही इजी है, हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो फ्यू कब यूज करते हैं, जब हमें नेगेटिव थॉट्स मिलता है, जैसे नेगेटिव मीनिंग मिलता है तो हमें फ्यू लिखना है, और ऑफ यू भले कम हो लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है तब हमें ऑफ यू यूज करना है, और वो भी काउंटेबल के साथ। जैसे फ्यू इज नेगेटिव, इट मीन्स नॉट मैनी, हार्डली एनी, मतलब कुछ भी ना हो तब हम ये यूज करेंगे। ऑफ यू इज पॉजिटिव, इट मीन्स सम एट लीस्ट, कुछ कोई भी चीज हो हमारे पास, सोच लो कि बुक्स है ना हमारे पास, तो है इनफ है तो वहां पर ऑफ यू लगाएंगे, और इनफ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, फ्यू। यहाँ पर है फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, नॉट मैनी, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सीक्रेट, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग बन रहा है। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब मोस्टली सब क्या करते हैं, सीक्रेट को खोल देते हैं, तो ऐसे ये नेगेटिव मीनिंग है तो हमें फ्यू लगा है। देन आई हैव ओनली फ्यू बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ ही बुक्स है, लेकिन है से पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ फ्यू। सिमिलरली लिटल नॉट मच, लिटल का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव सेंस होता है, एंड अ लिटल सम एट लीस्ट, मतलब हमें कुछ भी काम हो तो उससे चल जाए वो चीज, तो अ लिटल लगाएंगे। और जैसे कि दूध है हमारे घर पे, दूध है, हमें चाय बनानी है, तो हम चाय बने ऐसे ना हो दूध तो हम लीटर यूज करेंगे, और एक कप भी चाय बने इतना दूध हो तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, और लीटर, हमें लीटर पता है कि लीटर अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, तो देट इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ पर लिटल होप क्यों लगा, क्योंकि रिकवरी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, है ना, इसके लिए हमने क्या, ये नेगेटिव सेंस है तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, लिटल। देन अ लिटल टैक्ट वुड हैव सर्व्ड द सिचुएशन, टैक्ट मतलब बुद्धि, हम आइडियाज, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी चतुर होते हैं, टैक्ट उपयोग करते तो हम क्या होते, सेव द सॉल्यूशन, सेव, कोई भी मुसीबत में हम फंस जाते तो हम बाहर निकल सकते। तो सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा इसमें, कि नेगेटिव होगा तो आपको लिटल लिखना है, और पॉजिटिव थॉट अंदर से मिल रहा है तो हमें क्या लिखना है, अ लिटल लिखना है। यहाँ पर एक नोट दिए, नॉट दैट फ्यू एंड ऑफ यू आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, मैंने पहले ही बोला कि फ्यू और ऑफ यू किसमें होगा, काउंटेबल चीज में यूज होगा। देन लिटल एंड अ लिटल आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ओके, तो लिटल एंड अ लिटल अनकाउंटेबल में होगा। देन यहाँ पर रूल नंबर 66 क्या दिया है, कि एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये एल्डर एंड एल्डेस्ट आर अप्लाइड ओनली टू पर्सन, ये जो दो वर्ड है ELDER elder and ELDEST elders are applied only to persons. The use of these two words is confined to the members of the same family. और ये कब यूज होता है, जब एक ही फैमिली के मेंबर होते तब ही हम ये यूज करेंगे। Then eldest means first born. Eldest का मीनिंग क्या होता है, घर में जो पहला बॉर्न हुआ है उसके लिए हम एल्डेस्ट यूज करेंगे। देन यहाँ पर दूसरा है ओल्डर एंड द ओल्डेस्ट, ये ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री का है, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है। आर अप्लाइड टू थिंग्स एज वेल एज पर्सन, ये पर्सन के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कि जो ये ओल्डर है वो एक ही फैमिली को बिलोंग नहीं करेगा, ये कंपेरिजन हम किसी के भी साथ कर सकते, लेकिन जो ऊपर वाले दो वर्ड है एल्डर और एल्डेस्ट, जब इसकी बात हो रही होगी तब एक ही फैमिली के मेंबर होंगे, जहां और इसमें एक ही फैमिली के मेंबर नहीं होंगे। देन एल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देम, जो एल्डर है ई एल डी आर इज नॉट फॉलोड बाय देम एंड ओल्डर इज फॉलोड बाय देम, दो ये बहुत अंडरलाइन कर दो इसको, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये डिफरेंस बताया, जब भी डिफरेंस हम समझ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे रूल्स हम अप्लाई करना जान जाएंगे। तो यहाँ पर अंडरलाइन करो कि एल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देम, तो एल्डर वाला जहां पर होगा वहां पर हमें देम यूज करना नहीं है, और जो यहाँ पर ओल्डर है ओ एल डी आर उसमें क्या होगा टी एच एन देम यूज हुआ होगा। यहाँ पर देखो
ही इज माय एल्डर ब्रदर। यहाँ पर एल्डर ब्रदर क्यों आया, ओल्डर क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ही फैमिली की बात है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग एल्डर। देन सेकेंड है ही इज ओल्डर देन आई, मेरे से ये पुराना है, ओके मतलब पहले से है, तो यहाँ पर एल्डर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, है ना। जैसे कोई कंपनी में कोई सबसे पुराना पर्सन हो तो वहां पर फैमिली मेंबर नहीं है, तो वहां पर हमें यूज करना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, ओल्डर, ओ एल डी टी आर यूज करेंगे। देन अवर स्कूल इज ओल्डर देन योर्स। देन लास्ट है इट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन अवर सिटी। यहाँ थिंग्स के लिए यूज करा है। देन रूल नंबर 67, लेटर एंड लेटेस्ट डिनोट्स टाइम। यहाँ पर देखो टाइम डिनोट करता है, लेटर एंड लेटेस्ट डिनोट्स टाइम। देन लेटर एंड लास्ट डिनोट पोजिशन। पोजिशन तो हमें पता है कि कोई जगह है ना, दो पोजिशन हमारी क्या है वो दिखाता है, और ये जो दो है वो टाइम रिलेटेड है, ये पोजिशन रिलेटेड है। तो आई रीच्ड द स्कूल लेटर, नॉट लेटर देन श्याम। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि आई रीच द स्कूल लेटर, एल ए टी आर, तो ये टाइम रिलेटेड है कि मैं देन श्याम, शाम से मैं बाद में पहुंचा, तो यहाँ पर टाइम दिया है, तो यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज करा, लेटर। देन सेकेंड है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो नॉट लास्ट यूज नहीं करेंगे, लेटेस्ट टाइम, टाइम रिलेटेड है, ओके। तो लास्ट न्यूज, कहीं पर हम गए हो घर से बाहर, तो घर के लास्ट न्यूज क्या है, कोई मैटर हुई हो तो लास्ट न्यूज क्या है वहां से हम जानने की कोशिश करें, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट न्यूज। द लास्ट बेसमैन प्लेड वेरी वेल, लास्ट क्या है, तो यहाँ पर पोजीशन डिनोट की है, द लास्ट बेसमैन प्लेड वेरी वेल, लास्ट मतलब वो सबसे लास्ट में खेलने गया तो वो पोजीशन है, दैट्स व्हाई। मोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर्स, देखो यहाँ पर एक ही ब्रदर है, एक ही फैमिली के है, तो यहाँ हम यहाँ पर क्या, द लेटर, तो यहाँ उसके बाद वाला टाइम, टाइम रिलेटेड होगा ये, एल ए डबल टी ई आर, ये पोजिशन रिलेटेड है, इज माय क्लास फेलो, ओके। दोनों ब्रदर है, मोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर्स, द लेटर, लेटर मतलब ये सेकेंड वाला सोहन, तो यहाँ पोजिशन बताई गई है कि फर्स्ट पोजिशन में वो क्या बोला मोहन, एंड सेकेंड पोजिशन में क्या बोला सोहन, तो यहाँ पर पोजिशन की बात करी गई है, दैट्स व्हाई दे आर पुटिंग एल ए डबल टी आर, इज माय क्लास फेलो। मैंने दो नाम दिए, उसमें से जो सेकेंड वाला नाम था तो ये पोजिशन आया, इसके लिए यहाँ पर क्या यूज करा, एल ए डबल टी आर, लेटर, ओके। देन रूल नंबर 68, वर्बल इज ऑफन रॉन्गली यूज फॉर ओरल। देखो ओरल और वर्बल दोनों में फर्क है। वर्बल मीन्स ऑफ और इन वर्ड्स। वर्बल मतलब क्या होता है, जो हम वर्ड लिख के कुछ मैसेज भेजते ना उसको भी वर्बल बोलते हैं। ओरल मीन्स डिलीवर्ड बाय माउथ नॉट रिटन। ओरल का मीनिंग क्या होता है कि मुंह से हम ओरल नहीं करते, ओरल लेते हैं स्कूल में तो टीचर क्वेश्चन पूछते आपको आंसर देने बोलते, उसको बोलते हैं ओरल। हैज द ऑपोजिट ऑफ रिटन इज ओरल, रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म वो ऑपोजिट है, नॉट वर्बल, उसको वर्बल नहीं बोलेंगे। ही रिटर्न स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम हीज ओरल स्टेटमेंट। यहाँ पर जो उसने स्टेटमेंट लिखा है वो उससे जो बोला था उससे उसने अलग लिखा है, ओके तो इसको ऐसे ओरल लिया गया है। वेर योर इंस्ट्रक्शन ओरल और रिटर्न, आपकी इंस्ट्रक्शन कैसी है, ओरल है कि रिटर्न है, ओके। वर्बल यूज करेंगे तो वर्बल इट्स वन काइंड ऑफ सिनोनिम्स ऑफ रिटर्न, इतना समझ लो कि वर्बल का मीनिंग क्या होगा कि रिटर्न का सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड वर्बल समझ लो, ओके। द वर्बल मैसेज सेंड बाय यू वॉज नॉट वेरी क्लियर, जो आपने वर्बल मैसेज मुझे सेंड करा है, मतलब लिख के आपने जो मुझे मैसेज सेंड करा है वो कैसा है, क्लियर नहीं है। देन रूल नंबर 69, डू नॉट से अवर म्यूचुअल फ्रेंड, अवर म्यूचुअल फ्रेंड हम यूज नहीं करेंगे। द प्रॉपर एक्सप्रेशन इज अवर कॉमन फ्रेंड,
वी मेट एट द हाउस ऑफ अ कॉमन नॉट अ म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि डू नॉट से अवर म्यूचुअल फ्रेंड। कभी भी आपका कोई कॉमन फ्रेंड होता है तो हम कॉमन यूज करेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड यूज करेंगे नहीं। वी शुड से द फर्स्ट टू द फर्स्ट थ्री एक्सेट्रा। कोई भी सेंटेंस में हमें बोलना है तो द फर्स्ट टू द फर्स्ट थ्री ऐसे बोलेंगे। द फॉलोइंग एक्सप्रेस आर एज मीनिंगलेस, जैसे कि ये मीनिंगलेस बन जाएगा। द टू फर्स्ट ऐसे बोलेंगे तो इसका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। द थ्री फर्स्ट इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल जाए। हमें क्या करना पड़ेगा कि वी शुड से हमें क्या बोलना पड़ेगा, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवेल आर रादर डल। अदरवाइज नीचे दिया है कि द फर्स्ट थ्री ऐसे करना है, द फर्स्ट थ्री बॉयज वर अवॉर्डेड प्राइज। तो यहाँ पर रूल नंबर 17 कंप्लीट होता है। और रूल नंबर 71 में देखो, दो साइड पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें वन कॉलम में दिए इनकरेक्ट सेंटेंस। मैं आपको सिर्फ दो तीन समझा रही हूँ, फिर बाद में आपको ऑब्जर्व करने हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला देखो, ही इज माय द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो पजेसिव प्रोनाउन आया है, बराबर। तो यहाँ पर हमने रूल में देखा था, तो यहाँ पर अगर माय लगाते हैं तो द हमें हटाना पड़ेगा। तो ही इज माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर देखो, ओ द डियरेस्ट वन, तो एड्रेसिंग आया तो द नहीं आएगा यहाँ, ओ डियरेस्ट वन आएगा सिर्फ। तो ये आपको खुद समझना है और लिखो भी साथ में, लिखोगे तो ज्यादा आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ पर हम हमारा पार्ट वन रखते हैं और एक्सरसाइज 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।